श्री 64 जोगनी माता जी का मंदिर है जो अपने आप में बहुत खास है। आज हम इस मंदिर को देखें और ध्यानपूर्वक देखें, इस मंदिर के महत्व को समझने की कोशिश करें। एक आश्रम नुमा मंदिर जिसके बिल्कुल पास से मातर माता जी का नाला गुजरता है और नाला गुजरता है तो यहाँ नमी भी रहती है। यहाँ एक ट्रस्ट है जो इसकी व्यवस्था को देखता है। यहाँ की सघन वृक्षारोपण यहाँ की खूबसूरती है और इसको मेंटेन किए हुए हैं यहाँ के लोग। यहाँ बरगद के वृक्ष से लेकर दूसरे तरह तरह के कई पौधारोपण किया है और उसका संरक्षण किया है। यहाँ इस तरह की जोत जलती रहती है। यहाँ नियमित रूप से लोग पहुँचते हैं। पीछे हम श्री मातर माता जी के मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। श्री मातर माता जी का मंदिर हमको सामने दिख रहा है। अगर हम कुल मिलाकर कहें तो ये संपूर्ण क्षेत्र आध्यात्म का पर्याय है। यहाँ इस तरह के हम वानर राज को देख रहे हैं। यहाँ श्री भैरव जी का स्थान है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, ऐसा हमको अभी ऐसा मानते हैं कि सिरोही की बसावट के साथ ये मंदिर भी बनाया गया था। हम बरगद को नमन करें, उस बरगद को नमन करें जो बहुत सारे अनगिनत जीवों का वास होता है, अनगिनत जीव यहाँ विराजते हैं। एक साल पहले हमने जब यहाँ का स्टोरी डाली थी, 2 साल पहले, तब ये मंदिर निर्माणाधीन था, लेकिन अब ये मंदिर का कार्य पूर्ण हो चुका है। यहाँ इस तरह की कई बैठक है, धर्मशालाएँ हैं, यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ नियमित रूप से पक्षियों को दाने पानी की भी व्यवस्था होती है और यहाँ भाव से सब लोग सेवा करते हैं, या यूँ कहें कि समाज के सहयोग से मंदिर का निर्माण कार्य हुआ है। हम मूल मंदिर में पहुँचे, 64 श्री 64 जोगनी माता जी का मंदिर। इनके बारे में ऐसा मानते हैं, हम दर्शन करें, भावपूर्ण दर्शन करें, ऐसा मानते हैं कि 64 जोगनियाँ, इनका वास शमशान में होता है ऐसा कहते हैं, और शमशान में बुरी आत्माओं से, बीमारियों से ये हमारी रक्षा करती है। ये देवियाँ होती हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है और एक नकारात्मक ऊर्जा से हमको बचाती हैं। हम अगर दाईं तरफ देखेंगे, श्वेत रंग में माता जी का चित्रण है और ये हम लगातार देख सकते हैं। हम नमन करें, हम यहाँ जो भी कोई पहुँचता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, उसके बहुत सारे कष्टों का दूर निवारण होता है। हमको यहाँ एक ट्रस्ट है, विधिवत संचालित होता है। यहाँ एक मंदिर चबूतरे पर माता जी विराजमान थी, लेकिन कुछ वर्षों से भक्तों के प्रयासों से ये मार्बल का, सफ़ेद संगमरमर का मंदिर हम यहाँ देख रहे हैं। लोगों ने अपने अपने भाव से इस मंदिर के निर्माण में सहयोग किया है। ट्रस्ट यहाँ की व्यवस्था को देखता है। हमारे साथ में महेंद्र सिंह जी हैं, जो वैसे तो यहाँ सभी सम्माननीय हैं, एक ट्रस्ट है, सदस्य है उसमें। महेंद्र सिंह जी, आप यहाँ के इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और इस कार्य को आप भी पूरी ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। महेंद्र सिंह जी, क्या इस मंदिर के बारे में क्या क्या कहेंगे आप? बहुत पुराना मंदिर है। 64 जोगनी माता सेवा समिति की ओर से जी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय माता जी। जी जी, ये मंदिर लगभग 550 वर्ष पूर्व हमारे राजा महाराजाओं द्वारा स्थापित किया हुआ है जी। प्रारंभ में ये एक चबूतरे के ऊपर बना हुआ था जी, और इसका कोई करने वाला नहीं था।
हम जब बचपन में थे तब से हम यहाँ आते थे जी जी, और हम लोग यहाँ खेलते करते बड़े हुए इनके सामने जी, और 12 13 14 जो भी हमारा माता जी का 13 का दिन है हम यहाँ आते और जो चढ़ावा करते। हम जब बड़े हुए और हम नौकरियों में लग गए तो हमारे दोस्तों के मन में एक बात आई कि क्यों ना इस मंदिर का कुछ उद्धार किया जाए, इसको बड़ा किया जाए, इसको संभाला जाए जी। और हम सब ने मिलकर के एक ट्रस्ट बनाया और ये ट्रस्ट लगभग 8-10 साल से ये काम कर रहा है। ठीक बात है। हम लोगों ने मिलकर के कुछ चंदा भी लिया, कुछ लोगों से जो भंडारे में पैसे आते हैं उसका ही ज़्यादा करके हमने उपयोग किया जी। हम जब थे जब ये चारों ओर जंगल था, इस मंदिर के पास में अभी 5 बीघा के लगभग जमीन है और इसके मंदिर के पीछे यहाँ से लगा करके 4 लाइन तक 5 बीघा जमीन और थी, वहाँ तक हमारी सीमाएं थी। ठीक है। लेकिन कलेक्टर महोदय ने यहाँ स्कूल की आवश्यकता समझी और उन्होंने 5 बीघा जमीन इसी मंदिर की जमीन को इन्होंने ले लिया और एक स्कूल का प्राइमरी स्कूल का निर्माण उन्होंने कराया। ठीक है, ये भी अच्छा काम है, सेवा का काम जी, है और ये अच्छी बात है। हमने वसुंधरा जी को भी लिखा था, उन्होंने भी कलेक्टर साहब को लिखा था कि ये मंदिर की जमीन है, इसकी जगह और कई स्कूल बनाए जाए। लेकिन कलेक्टर साहब ने कहा यार मंदिर में तो बच्चे पढ़ते हैं, आप लोग भी कुछ सहयोग करो जी। तो फिर हमने उसके लिए ये जमीन का हमने त्याग कर दिया और यहाँ ये स्कूल चल रही है जी जी जी। ये 64 जोगनियाँ जो मंदिर है इसमें ये 64 जोगनियाँ हमारे शहर की रक्षा करती है, इसलिए हमेशा लगभग आप किसी भी गांव में जाएंगे तो जोगनियों का मंदिर शहर के किनारे या गांव के किनारे मिलेगा जी, जो हमारे बुरी आत्माएं जो प्रवेश करती है या और कोई बीमारियां प्रवेश करती है तो उसको सीमा पर ही रोक लेती है। ठीक बात है। ये मंदिर महिला प्रधान मंदिर है जी, यहाँ की जो महिलाएँ हैं वो अपने पूर्वजों के अपने गले के अंदर लॉकेट पहनती है जी, जिसको हमारी मारवाड़ी भाषा में पगला कहते हैं। वो पगला सोने का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, तांबे का हो सकता है, जैसी भी उनकी आस्था होती है या जैसी भी उनकी आर्थिक स्थिति होती है उसके हिसाब से वो धारण करते हैं जी, जी। और अपने पूर्वजों की याद में उनके कुछ दिन होते हैं, लगभग ये उजाले पक्ष में होता है, जब शुक्ल पक्ष होता है तब ये महिला यहाँ पर दूध से लगा करके 14 तक जी अपनी अपनी बारी से यहाँ आती है और उनकी भावना में यहाँ खाना खाती है, खाना बनाती है, जिसको हमारे यहाँ पर मारवाड़ी में वरुद कहते हैं, वरुद जिमती है। अच्छा। और माता जी को चढ़ावा करती है, इनके नाम पे खुद भी कपड़े पहनती है, उसमें वो अपना पूरा 16 श्रृंगार करती है। जय हो। और माता जी को भेंट करने के लिए काजल, टीकी, बिंदिया, चूड़ियाँ, चप्पलें, जो भी उनकी आस्था होती है आकर के चढ़ाती है। ठीक। माता जी उनके दुख दर्दों को सुनती है और उनकी आस्था के अनुसार उनका सहयोग करती है जी जी। यहाँ की एक कहानी भी है जी, और वो हमारे सामने एक आंखों देखी कहानी है जी, कि एक बनासकांठा का मुस्लिम परिवार जी, वो उनकी कोई महिला थी, वो अपने घर पे अनमना रहती थी, जैसे डिप्रेशन में चली गई हो। ठीक बात। उसको है। काम नहीं करने का मन होता था, उस घर में भी मन नहीं लगता था और उसको ऐसा लगता था कि मुझ में कुछ है और मुझे कहीं जाने से ठीक हो सकता है। तो उनके परिवार वाले एक कार करके उसको लेके आए, उन्होंने आबू रोड क्षेत्र देखा, रेवदर क्षेत्र देखा, पिंडवाड़ा क्षेत्र देखा और वो औरत मना करती गई कि ये मंदिर भी नहीं है, वो मंदिर भी नहीं है, ये भी नहीं है। और खुदा न खास्ता वो यहाँ सारणी सब्जी से जा रहे थे और उसने बीच में गाड़ी रुकवाई और उसने कहा मंदिर तो यही है, मेरे को तो यहाँ जाना है। अरे वाह वाह। और यहाँ आने के बाद में न जाने इस माता जी ने उनको क्या किया, क्या दिया, क्या नहीं दिया, हमें मालूम नहीं है। उसके बाद से आज हर महीने वो परिवार यहाँ आता है और माता जी को चढ़ावा करता है। बहुत खूब, बहुत ये बात है। देखिए महेंद्र जी, आपने संक्षिप्त में बहुत बड़ी बात बताई। हमारी रक्षक हैं माता जी, ये हमको नेगेटिव एनर्जी से या बुरी आत्माओं से बचाती हैं। यहाँ श्री भैरव जी का मंदिर है, हम उनके दर्शन के साथ मैं मेरी बात को विराम दूंगा। लेकिन ये स्थान बहुत कमाल का है, ये स्थान प्राकृतिक रूप से इतना रमणीक है कि यहाँ अगर हम, और चूंकि वॉकिंग डिस्टेंस पे है तो बहुत सारे लोग वॉक करते हुए भी यहाँ पहुँचते हैं।